टॉप 4 बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 25,000 रुपीज़। सो हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गैजेट्स दुनिया में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आज की इस वीडियो में हमने टॉप 4 स्मार्टफोन्स को सेलेक्ट करा है जो आपको 25,000 रुपीज़ की बजट रेंज में फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशंस के साथ देखने को मिलते हैं, चाहे फिर डिज़ाइन की बात कर लें, चाहे फिर उनके कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात कर लें, या फिर परफॉर्मेंस सेंटर की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लें। तो अगर आप भी इस बजट में एक न्यू स्मार्टफोन परचेज करने वाले हैं और कन्फ्यूज़ हो कि आपको इस बजट में कौन से स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए, तो आपकी उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमने आपकी नीड और आपके यूजर्स के बेसिस पर टॉप 4 स्मार्टफोन्स को सेलेक्ट करा है जिन्हें आप इजीली परचेज कर सकते हैं, जो भी स्मार्टफोन आपके नीड्स को फुलफिल कर रहा हो। सो पूरी और सही इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहेंगे वीडियो में लास्ट तक। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर के भी अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करें हमारी लिस्ट के फर्स्ट नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में, तो वो आता है IQ की तरफ से IQ G7 Pro 5G स्मार्टफोन। और अगर बात करी जाए इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो तकरीबन आपको यह स्मार्टफोन 25,000 रुपीज़ की प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो सबसे पहले यह जो स्मार्टफोन है वो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पर वर्क करता है। और अगर बात करी जाए इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस सेंटर की स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के तौर पर MediaTek Dimensity 7200 चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि 2.8 GHz पे क्लॉक्ड एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर है। इसके अलावा आपको 8GB का रैम सपोर्ट एंड 128GB की इनबिल्ट मेमोरी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। और अगर बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो 4600mAh की आपको यहां पर बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि 66W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ देखने को मिलेगी। सो यहाँ पर आपको बैटरी स्पेसिफिकेशंस भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। और इसके बाद अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले के तौर पर 6.78 इंचेस का एक काफ़ी बढ़िया AMOLED स्क्रीन देखने को मिल जाएगा, जो कि 1080x2400 पिक्सल्स का है। सो जब भी आप इसमें कोई कंटेंट कंज्यूम करोगे या कोई भी वीडियो देखोगे, तब आपका एक्सपीरियंस जो रहेगा वो काफ़ी बढ़िया रहेगा, बिकॉज आपको कलर्स काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेंगे। और ये जो डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी वो 400 PPI पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करेगी। इसके अलावा आपको 1300 तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, और कर्व डिस्प्ले के साथ आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको फॉर स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पर 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। सो जब भी आप इस स्मार्टफोन में कुछ स्क्रॉल करोगे, तब आपको काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस फील होगा। एंड बावजूद इसकी अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको 64MP प्राइमरी सेंसर के साथ डुअल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 2MP का एक सेकेंडरी कैमरा देखने को मिलेगा विद OIS सपोर्ट। और आप यहां से मैक्सिमम फुल HD में अपनी वीडियोस को इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। सामने की तरफ भी आपको 16MP का एक काफ़ी बढ़िया सेंसर देखने को मिल जाएगा। सो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे हमारी लिस्ट के फर्स्ट नंबर वाले स्मार्टफोन में। तो अब बढ़ते हमारी लिस्ट के सेकंड नंबर वाले स्मार्टफोन की तरफ, जो कि आता है OnePlus की तरफ से Nord CE3 5G स्मार्टफोन। और अगर बात करी जाए इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो तकरीबन आपको यह स्मार्टफोन 26,000 रुपीज़ की प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा। बट अगर आप इसे कार्ड डिस्काउंट लगा खरीदते हैं या फिर किसी सेल में खरीदते हैं, तब आप इसे इजीली अंडर 25,000 रुपीज़ ग्रैब कर सकते हैं। तो अगर बात करी जाए इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के तौर पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782G का चिपसेट देखने को मिल जाता है, और ये 2.7GHz पे क्लॉक्ड एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर है। इसके अलावा आपको यहाँ पर भी 8GB का रैम सपोर्ट एंड 128GB की इनबिल्ट मेमोरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और वहीं अगर बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो 5000mAh की आपको यहाँ पर बैटरी देखने को मिलती है, जो कि मैक्सिमम 80W की सुपर वूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ देखने को मिल जाती है। तो लगभग 30-35 मिनट में आपका स्मार्टफोन 0-100% फुल चार्ज हो जाएगा। एंड बावजूद इसके अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको 6.7 इंचेस का एक काफ़ी बढ़िया AMOLED स्क्रीन देखने को मिलता है, जो कि 1080x2400 पिक्सल्स का है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 394 PPI पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करता है। इसके अलावा आपको HDR10+ का सपोर्ट एंड 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो डिस्प्ले वाइज आपको यहाँ पर भी स्पेसिफिकेशंस काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। और वही भी अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको 50MP प्राइमरी सेंसर के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 8MP का सेकेंडरी कैमरा और +2MP का एक थर्ड आपको यहाँ पे कैमरा देखने को मिल जाता है विद OIS सपोर्ट। और आप यहाँ से मैक्सिमम फुल HD में अपनी वीडियोस को इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। सामने वाले सेंसर की बात करी जाए, तो 16MP का एक सोनी IMX890 का सामने की तरफ भी आपको सेंसर देखने को मिल जाता है। सो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं हमारी लिस्ट के सेकंड नंबर वाले स्मार्टफोन में। तो अब बढ़ते हमारी लिस्ट के थर्ड नंबर वाले स्मार्टफोन की तरफ, जो कि आता है रियलमी की तरफ से 11 Pro स्मार्टफोन। और ये स्मार्टफोन आपको इजिली अंडर 25,000 रुपीज़ देखने को मिल जाएगा। तो अगर बात करी जाए इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के तौर पर MediaTek Dimensity 7050 का चिपसेट देखने को मिल जाता है,
जो कि 2.6 GHz पर क्लॉक्ड एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर है। इसके अलावा आपको 8 GB का रैम सपोर्ट एंड 128 GB की इनबिल्ट मेमोरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा अगर बात करी जाए इस स्मार्टफोन के बैटरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो 5000 mAh की आपको यहाँ पर बैटरी और 67 W का डार्ट चार्ज सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो आपको ये स्मार्टफोन भी काफ़ी जल्दी चार्ज हो जाएगा एक बार डिस्चार्ज होने के बाद। इसके बाद अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो डिस्प्ले के तौर पर आपको यहाँ पर 6.7 इंचेस का एक काफ़ी बढ़िया एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाता है और ये भी 1080x2400 pixels के साथ देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको 394 PPI पिक्सल डेंसिटी का सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड इस स्मार्टफोन में भी आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो जो कर्व डिस्प्ले स्मार्टफोन होते हैं वो आपके स्मार्टफोन की प्रीमियमनेस को थोड़ा बहुत इंक्रीज कर देते हैं। सो जिनको भी कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लेना है वो लोग इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। एंड फॉर स्मूथ एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर आपको 100 MP के साथ डुअल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसमें आपको 2 MP का एक और सेकेंडरी कैमरा देखने को मिल जाता है। और जब भी आप इस कैमरे सेटअप के साथ वीडियोज़ को रिकॉर्ड करते हैं तो आप यहाँ से मैक्सिमम 4K क्वालिटी में अपने वीडियोज़ को ईजिली 30 FPS पर अल्ट्रा एचडी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड सामने की तरफ भी आपको 16 MP का एक काफ़ी बढ़िया सेंसर देखने को मिल जाता है। सो ये कुछ फोटोग्राफी स्पेसिफिकेशंस आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती हैं। तो ये दोनों हमारी लिस्ट के 3rd नंबर वाले स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी लिस्ट के 4th एंड लास्ट स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आता है रियलमी की तरफ से GT2 स्मार्टफोन। और अगर बात करें अभी के टाइम पे इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तकरीबन आपको यह स्मार्टफोन 35,000 rupees की रेंज में देखने को मिलेगा। बट अभी के टाइम पे आपको इस स्मार्टफोन को बाय नहीं करना है। अगर आप अभी के टाइम पे 4th स्मार्टफोन को बाय करना चाहते हैं तो आप रियलमी नार्जो 60 प्रो की तरफ भी जा सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको फ्लेक्सिबल लेवल वाले स्पेसिफिकेशन चाहिए तो आप इस स्मार्टफोन का वेट कर सकते हैं, बिकॉज ये स्मार्टफोन मैक्सिमम टाइम इसकी प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है और ये स्मार्टफोन मैक्सिमम टाइम 25,000 rupees की अंडर में ही सेल होता है। सो अगर आप फ्लिपकार्ट की 1-2 sale का इंतजार कर सकते हैं तो आप इस स्मार्टफोन को आराम से इजिली अंडर 25,000 rupees ग्रैब कर सकते हैं। तो अगर बात करी जाए इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के तौर पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 2.84 GHz पर क्लॉक्ड एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर है। इसके अलावा आपको 8 GB का रैम सपोर्ट एंड 128 GB की इनबिल्ट मेमोरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो 5000 mAh की आपको यहाँ पर बड़ी बैटरी और 65 W का स्मार्ट फ्लैश चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर भी आपको बैटरी स्पेसिफिकेशंस काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो डिस्प्ले के तौर पर आपको यहाँ पर 6.62 इंचेस का एक काफ़ी बढ़िया सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाता है, जो कि 1080x2400 pixels का है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 397 PPI पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे 1300 nits तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको फॉर स्मूथ एक्सपीरियंस 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी देखने को मिलता है। और हाँ, एट द एंड अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर आपको 50 MP प्राइमरी सेंसर के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 8 MP का सेकेंडरी कैमरा और प्लस 2 MP का एक थर्ड आपको यहाँ पे कैमरा देखने को मिल जाता है विद OIS सपोर्ट। और जब भी आप इस कैमरे सेटअप के साथ वीडियोस को रिकॉर्ड करने जाओगे तो आप यहां से मैक्सिमम 4K क्वालिटी में अपनी वीडियोस को इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं पर आपको सामने की तरफ भी सोनी IMX766 का एक 16 MP का सेंसर देखने को मिल जाता है और आप सामने की तरफ से भी अपने स्मार्टफोन से काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में अपनी फोटोज एंड वीडियोज को क्लिक एंड शूट कर सकते हैं। सो ये रहे टॉप 4 स्मार्टफोन जिन्हें आप इजिली अंडर 25,000 rupees ग्रैब कर सकते हैं और आप इनमें से किसी भी स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस, आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और इस वीडियो से आपकी कंफ्यूजन भी एकदम क्लियर हो गई होगी। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को सिंपली कर दीजिएगा लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो तब तक के लिए राधे राधे।